मॉर्निंग फैमिली नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इसरा दीदी व्लॉग। और मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो गई थी और आज दिन रविवार और डेट है 28 और 28 मई भी खास बनने वाली है क्योंकि 28 मई को होने वाली है मेरे घर में, मतलब खास ही है, खास लोगों की है आज मैरिज। मतलब मेरे यहाँ बहुत बार आई हुई है और मतलब मेरी जो ताई जी है ना उनकी, मेरी ताई जी नहीं, ताई सासू माँ जो है ना उनकी भांजी है, उनकी शादी है आज। वो मतलब कई बार आई, मतलब यहाँ जब आती है तो मेरे पास भी आती है, जिसकी इंगेजमेंट में अभी कुछ दिन पहले ही हम गए थे और ब्लॉग भी मैंने डाला था उसका, तो आज ही उसकी शादी है। और मैं आ चुकी हूँ मैं आ चुकी हूँ ससुराल। ससुराल एकदम अटेंडम आना हुआ, एकदम अटेंडम। ऐसा लग रहा था कि मैं शादी में शायद नहीं रहूँगी और मैके ही में रह जाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कुछ कारणवश मुझे आना ही पड़ा। पहला कारण तो है कि मेरी सासू माँ, क्योंकि वो यहाँ पे एकदम अकेली पड़ गई थी तो मुझे सही नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि मैं बहुत आराम से हूँ और वहाँ पे मम्मी को बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं रहती हूँ और मम्मी भी रहती है तब दो लोग मिलके काम करते तो इतना ज़्यादा लगता है मुझे अपना काम। तो वो जब अकेले रह के पूरे घर को संभालती हैं, एक्चुअली मेरे घर में ही दुकान भी है और दुकान के भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं चाहते ना चाहते, तो उसमें भी तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी लग रहा था। तो मैं मम्मी से लगातार कह रही थी, मम्मी मैं मुझे जाने दीजिए। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आते, कुछ दिन और रुकते, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे आना ही पड़ा। लेकिन हर चीज़ होती है ना कि आप सोशल मीडिया में नहीं बता सकते, बस होपफुली कि आप लोग समझ सकते होंगे कि हम ये चीज़ सोशल मीडिया में नहीं बता सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं अपने दिल में ही दफन कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो बस ये दो रीज़न थे जिसके वजह से आना हुआ, और क्या किस वजह से, मतलब कि मैं नहीं आना चाहती थी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलते, फिलहाल आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत खुशी का दिन है कि आज जया की शादी है, तो जाएंगे भी शाम को। हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, सुबह से कुछ ना कुछ तैयारी में जुटे हुए हैं, और जब से घर से आए ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि मम्मी की बहुत याद आ रही है, और सिर्फ मम्मी की याद आ रही है और बहुत याद आ रही है, लेकिन कोई ना, मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि मुझे किसी को याद नहीं करना। और आज शादी का दिन है तो मुँह पे ऐसे मेरी बैंड बजी हुई है, तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं, तो कुछ करने जा रहे हैं तो करेंगे क्या, सारे बच्चों के जो कपड़े उपड़े ना, मैंने अजीत को जो पहनना है और वंश को जो पहनना है, मुझे जो पहनना है और रिद्धि को जो पहनना है, वो सब तैयारी कर ली है। वंश लोगों के कपड़े में आयरन भी कर दिया क्योंकि लाइट की सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो मैंने जल्दी जल्दी उठ के कुछ चीज़ें धोनी थी, वो तो रात ही में धो ली थी और बस। और इधर आपको लग रहा होगा ना एक छोटा सा भूत टहला, हाँ छोटा सा भूत है, भूत नहीं है। तो इधर गरिमा जो भी करती है ना वो रिद्धि को भी करने का मन हो जाता है, तो रिद्धि वहाँ गरिमा फेस पैक लगा रही थी, तो रिद्धि को भी मैंने फेस पैक लगा दिया है। और अरे रिद्धि बाहर नहीं जाना, नहीं पानी में बह जाएगा। और सारे कपड़े उपड़े जो है ना प्रेस व्रेस कर लिया, अब जुट रहे हैं, सारा काम समेट लिया, सब हो गया काम, अब जुट रहे हैं अपनी तैयारियों में, तैयारी करना शुरू करते हैं। तो सोच रहे हैं मैं भी थोड़ा सा चेहरे पे जो है ना एक बार डिटेन लगा लेती हूँ और चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और जो भी ज्वेलरी पहनती है, देखते हैं कि क्या पहनी क्या नहीं पहनी, सब थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ करते हैं। तो जल्दी से चलते शुरू करते हैं आप अपनी तैयारी शादी में जाने के लिए। तो सबसे पहली बात कि माँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मेरी माँ जो है ना मेरा रोज़ का ब्लॉग देखती है, मेरा टीवी पे देखेगी, कहीं पर देखेगी, देखेगी जरूर। तो मम्मी को जब भी फ़ोन आ रहा है ना तो
मैं इतना हंस के बात कर रही हूँ कि और मैं एकदम रूटीन में हूँ कि मुझे उनको ये नहीं फील कराना कि मुझे उनकी याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मम्मी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और याद तो आती रहेगी, अभी बहुत दिन तक आएगी, क्योंकि जब भी घर जाओ ना तो याद तो आती रहती है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते फटाफट अपना काम शुरू करते। पहले चेहरे पे डिटेल लगाएंगे, फिर ये सब इयररिंग्स वगैरह उतारेंगे, बहुत दर्द हो रहा है कान। तो चलते हैं तैयारी शुरू करते हैं। रिद्धि को मैंने उधर शुरू कर दिया तैयारी, अब अपनी शुरू कर दी तैयारी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहेगा। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेगा। यस, तो बने रहिए। सो फैमिली, इधर देखिए मैंने O3 का एक डिटेंट पैक ले लिया है। ये मैंने रोशनी दीदी की शादी में मंगाया था, तो मैंने कहा चलो, उसके बाद एक बार और बीच में लगाया था। ये देखिए दो बॉक्स होते हैं इसमें, और छोटा छोटा सा ऐसा होता है, ये गोल गोल सा, इसमें डिटेंट जो होता है वो पैक रहता है। और बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत सही था। तो इसको मैंने कहा आज रखा हुआ है तो इसको लगा लेते हैं, फिर चलते हैं शादी में। हम हो गए हैं शादी के लिए तैयार, मतलब शादी करने के लिए नहीं, शादी तो मेरी बहुत पहले हो चुकी थी, और शादी में जाने के लिए हो गए तैयार। बहुत मतलब टाइम लगा, बहुत टाइम हो गया। देखिए 10 बज रहा है, अभी तक हम गए नहीं हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ बारात नहीं आई है, पता चल जा रहा है। तो मैंने देखिए जो जो था ना मेरे पास, मैंने सब पहन लिया, ओढ़ लिया जो जो रखा था, और कुछ हेयर स्टाइल समझ में नहीं आते तो बस इसी तरह हेयर स्टाइल बना लेते हैं। और ये मैंने साड़ी वेयर की थी, पहले मैंने दूसरा कुछ पहनने का सोचा था, फिर वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने ये पहन लिया। अजीत ने, मैंने कुछ लाइट कलर का सोचा, तो अजीत ने कहा बहुत लाइट कलर का लग रहा है, कुछ अलग पहन लो, तो मैंने ये पहन लिया। और देखिए ये मेरी प्यारी बिटिया रानी तैयार हो गई है। ओ भाई साहब, ये तो हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गए हैं। वंश जो है वो तो वंश जो है ना वो अपनी दादी के साथ जा चुका है, और हम अजीत और हम अजीत और रिद्धि बचे हैं घर में। गाड़ी आ रही, बस गाड़ी आ जाएगी वैसे ही चलेंगे। और देखिए मेरा, मैंने जूड़ा कुछ कुछ, अरे ये कैसे मैं दिखाऊँ, मुझे कुछ समझ, देखिए मेरा कुछ जूड़ा ऐसे मैंने कुछ बनाया है, जैसे आता है ना, बस ऐसे ऐसे से कुछ भी कर लेते हैं, बस सही जैसे सही लग जाए बस। तो मैंने ये सोचा था कर्ल करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए तैयार हो गए, बस गाड़ी आगे निकलेंगे, सारा काम हो गया। शाम से इतने लोगों को तैयार करना था ना, पता है कितने लोगों को तैयार कर, पहले मैंने मेरी रीता मौसी सास है उनको साड़ी पहनाया, और वो तो तैयार हो गई थी, आई थी, बस साड़ी पहनाया। गरिमा को तैयार किया, रिद्धि को तैयार किया, वंश को तैयार किया, सालू दीदी को तैयार किया, मेरी नंद है उनको तैयार किया, फिर मैं खुद तैयार हुई। इतना तैयार और करने के बाद जैसे सबको याद आता है ना, वैसे मैं बहुत प्रोफेशनल तैयार करने वाली ऐसा तो है नहीं, बस देखिए थोड़ा बहुत आता है ना तो वो मैं कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए कुछ करना। तो हो गए हैं तैयार, बस हाँ आज मतलब आ जाए गाड़ी तो फिर हम लोग निकलते हैं, फिर आपको चलते दिखाते पार्टी कैसी हो रही, क्या हो रही, मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे भी होगी इन्जॉय करेंगे, बस चलते हैं तो फिर वहाँ पर मिलते हैं। सो फैमिली, बारात आने में बस कुछ ही टाइम बचा है, और यहाँ जो जो है कि द्वार चार की तैयारियाँ हो रही हैं। देखिए ऊपर से मैं सूट कर रही हूँ इसको, और इधर बारात आ चुकी है। बारात को मैं आने में दूल्हा को कुछ इस तरह जो हमारे यहाँ है कि साले लोग जो है ना दूल्हा जी को इस तरीके से अपने जीजा को उठा के लाते हैं, ऐसे पैदल चला के नहीं लाते हैं। तो यहाँ दौर चढ़ की तैयारी हो गई थी, और दूल्हे जी जो हैं वो भी एंटिक सा ड्रेस पहन के आ चुके हैं। नीचे आ गई है बारात, और मैं जा रही हूँ बारात को। बारात तो वैसे आ चुकी थी, बस ऊपर लड़का जयमाला के लिए आ रहा था, तो मैं बस आई थी दुल्हन को देखने, दुल्हन के साथ दो तीन ब्लॉग वीडियोस बनाए, और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। जब उधर द्वार चार्ज हो रहा था ना, बारात आ चुकी थी, द्वार चार्ज हो रहा था, तो मैंने बारात देख लिया, फिर इधर देखी तो रिद्धि और गरिमा डांस कर रही थी। हमने कहा चलो चलो तुम लोग डांस करो। अच्छा, डीजे पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बच्चों को भेजने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वो दब से जाएंगे। तो इसलिए रिद्धि को देखे, रिद्धि इतनी ज़्यादा खुश है ना मामा की इस ड्रेस को पहन के, उसको हमेशा मन करता, बहुत दिनों से वो कह रही थी किसी भी फंक्शन में ये ड्रेस पहनाओ, ये ड्रेस पहनाओ, आज फाइनली वो पहन ली, उसको ये ड्रेस बहुत
ज़्यादा पसंद है। और सच में रिद्धि क्यूट भी बहुत लग रही थी, गरिमा ने भी ड्रेस चेंज कर ली थी। और इधर देखिए मम्मी पापा जो है ना वो घर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बहुत टाइम हो गया घर पूरा अकेला है, तो मम्मी और पापा निकल रहे हैं घर की ओर। और फिर मैंने कहा चलो अब अपना भी कुछ सूट वूट करते हैं, तो देखते हैं इधर बारात आ चुकी है, वहाँ पे जयमाले की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा ला आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसा बैकग्राउंड है। तो उधर जो है ना वो जो है ना दूल्हे के जो भाई लोग हैं ना वो बढ़िया डांस कर रहे हैं, और इधर वंशु जो है वंशु और उसका जो मतलब अच्छा वाला फ्रेंड होता है ना वो उसको मिल गया है, और वो दोनों खेल रहे हैं। और इधर मैंने कहा ला आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या अरेंजमेंट की गई है। अच्छा एक एक चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ जितना पॉसिबल है उसको दिखा देते हैं। तो उसके बाद लगी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने कहा कि ऐसा है ना कि होटल में ऊपर नीचे इतना ज़्यादा होता है ना कि कुछ भी खाने में मतलब समझ में नहीं आता कहाँ जाए। तो इधर मुझे मिल गई थी कोल्ड ड्रिंक और फिंगर चिप्स, मैं उसे कुछ दबाने में लगी हूँ। और ये आ गई है दुल्हनिया हमारे घर की, तो ये दुल्हनिया आ गई हैं, अब जा रहा है जयमाल होने। तो देखिए आपको मेरी दुल्हनिया कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ये बता दूँ मैं, वो बहुत छोटी है अभी ये, मतलब मेरी नज़रों में तो ये छोटी है, मतलब शादी के लिए 23 ईयर्स 24 ईयर्स क्या ही एज होती है। आजकल तो देखो इतनी इतनी एज की हो जाते तो भी शादी नहीं करते। और ये देखिए दुल्हन की जो बहनें हैं ना खूब अच्छे तरीके से अपनी बहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी मतलब कि खूब अच्छे से डांस वांस हुआ है। अब आगे आप बस देखो कि किस किस तरीके से डांस होता है, किस किस तरीके से दूल्हा एंटरटेन करता है, फिर मैं आपको आगे मिलूंगी। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फैमिली इधर जो है क्या है ना दूल्हे के ने तो किस तरह दुल्हनिया को बुलाया है कि उनकी ये फरमाइश थी कि दुल्हनिया कहे कि सामने से हट जाओ देवर जी, मुझे अपने साजन से मिलना है। तो वो कहने के बाद दुल्हन चल गई आगे। और अच्छा लग रहा था मुझे ये सारी चीज़ें इस शादी में ना बहुत एंटिक लगी है, दूल्हे पक्ष के लोग इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे थे। तो अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि जो हमारे दूल्हे राजा है वो किस किस तरीके से अपनी वाइफ के लिए क्या क्यूट क्यूट गाने पे डांस प्रेजेंट किए हैं। तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया, तो इस वजह से ये शादी में चार चांद लग गई है।
सो फैमिली, आपने देखा किस तरीके से इतना खुशहाल, इतना अच्छा दूल्हा ना। मैंने सच बता रही हूँ, इंगेजमेंट में भी इसको देख के दिल खुश हो गया था और अभी शादी में भी इसको देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि ये इतना क्यूट, इतना अच्छा था ना इसकी ये सारी चीज़ें। और इसने अभी बताया, अभी आगे भी शादी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कैप्चर नहीं कर पाए, मतलब शूट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने शूट किया है स्पेशली इस शादी के लिए। मुझे था कि हाँ, मैं इस शादी को आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। बहुत जगह होता होगा ऐसे ही शादियाँ होती हैं कुछ एंटिक एंटिक तरीके से, लेकिन मेरे तरफ ना पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एंटिक तरीके से कुछ हुआ है। हम लोगों के जयमाल के, मतलब कि जब शादियाँ बैठती है उसके नीचे बहुत हुनरबाजी होती है, लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ा सा लेट हो गया ये सारी चीज़ें होने में। अभी इनका जो जयमाल पड़ा है ना, वो रात में 1 बजे पड़ा है। और आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं तो फिर भी थोड़ा सा राहत ले रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मेरी देवरानी के बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं। देवर जी को देखिए, जो लाल कलर का ड्रेस पहने वो देवर जी हैं, और इधर जो ये है ना, ये जया मेरी नंद की मम्मी है ना, वो रो रही है, तो उनकी नंद उनको चुप करा रही है। इनके मम्मी पापा भाई सब रोने लगे थे जब जयमाल हुआ। अच्छा, ये मोमेंट ही ऐसा होता है, सच बताऊँ ना, चाह के आप चाहे जितने भी पत्थर दिलोगे ना, आपके आँख से आंसू निकल ही आएगा। और माँ बाप की तो बात एकदम अलग ही होती है। माँ बाप जिस तरीके से अपनी लड़की को विदा करते हैं ना, वो किसी भी माँ बाप से पूछो तो आपको पता चलेगा वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। तो फैमिली, रात में जब जयमाल उमाल हो गया था ना, तो मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए घर, और फ्रेश होके आई हूँ। तो ये है, अभी पूरा सेटअप बन चुका है, ये मंडप के नीचे का ये जो है प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो जूता चुराई की रस्म होने जा रही है। ये आगे हैं इनके जीजा जी, और जूता चुराई में ना जो चिक-चिक हुई है ना, जो चिक-चिक हुई है, सच में मुझे तो अपने दिन इतने याद आ रहे थे कि मैंने अपने बहुत सारे जीजा के बहुत सारे जूते चुराए हैं, और बहुत मज़ा आया। हम लोग तो मतलब इतनी सारी बहनें और इकट्ठा हो जाते थे, मेरे यहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। कभी होगा ना कि मेरे साइड की शादी होगी, तो आपको एक एक चीज़ें मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से। अभी है मेरे एक दो भाई हैं जो अभी बैचलर हैं, चाचा जी के लड़के, तो उनकी भी शादी में मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ फंक्शन को, आपने तो और भी मेरे घर के छोटे छोटे फंक्शनों को देखा है कि हम लोग ने कितनी मस्ती की है। तो यहाँ पे भी ये सारी मूवमेंट को देख के ना इतना मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ यार, सच में दिन अपने दिन भी याद आ गए थे। और ये दुल्हनियाँ आ गई है, और ये अब होने शुरू होने जा रही है शादी। और शादी शुरू होने में ना, मतलब कि 4:30 तो बज गया था, तो इधर मैंने कहा चलो अपने आप को भी दिखा देते हैं। मुझे बहुत बुरी आदत है, मैं जब पीछे पीछे ऐसे शूट करती हूँ ना, फिर मुझे लगता है यार मैंने तो अपने आप को दिखाया ही नहीं, तो मैं अपने आप को भी दिखाना शुरू कर देती हूँ। तो अगर इसमें कुछ बुरा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर नहीं है बुरा तो भी कमेंट करना कि नहीं आप सही कर रहे हो। तो शादी बैठ गई है, अब दुल्हनिया बैठ गई है। जूता जो देखिए मेरी दुल्हनिया, ये जो पियरी में भी है ना, ये भी कितनी क्यूट लगी, बहुत क्यूट लगती है। और इसका बाई नेचर भी, ये लड़की बहुत अच्छी है। जब ताई सासू माँ के यहाँ आती थी ना, ये हमेशा हमारे पास भी थोड़ी थोड़ी देर में आती थी, जब ये रुकने आती थी। तो अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, भगवान करे खूब खुश रहे। धरती की जितनी लड़कियाँ हैं ना, वो सब खुश रहें। तो जूता चुराई हो गई है, शुरू हुआ। ये देखिए किस तरीके से बैंड बजा रहे दूल्हे की। दूल्हा ने सोचा ना कि जूता पहन के बैठ जाएंगे, तो लेकिन मौसी सास जो है ना, उन्होंने कहा ना ना, जूता उतार के आओ। तब तक सालियों ने कर दिया इनके जूते पे अटैक। ये देखो हो गया अटैक, अब गया जूता, अब शुरू हो जाएगी शादी। और जो इतनी देर की मंशा थी वो भी पूरी हो गई है।
तो शादी में अब ये हो रहा है कन्यादान का रसम, कन्यादान का सॉरी रसम, तो रसम शुरू हो। अब कन्यादान में तो आपको पता ही इतना सारा समय लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बिना एनर्जी वेस्ट किया आप कन्यादान के रसम को इंजॉय करिए और मैं अभी आगे देखा आपसे मिलती हूँ। और आप लोग शादी के ये सारे मोमेंट को इंजॉय करिए और बताइए कि क्या आपके क्या भी इसी रीति रिवाज से शादी हो रही है। अब इधर गाना बजाना शुरू हो गया है और इधर होता रहे, जब हमारे यहाँ शादी बैठती है ना तो इधर लड़के पक्ष की जितनी होती है ना खूब गाना बजाना करती हैं। तो अच्छा कुछ कुछ गाने तो मुझे समझ में आते हैं लेकिन कुछ कुछ गाने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। मुझे डांस करवा लो लेकिन मैं गाना नहीं गा पाती हूँ। और आप देखो खिड़की से आपको दिख रहा होगा ना कि कितना उजाला हो गया है, मतलब कि अच्छी खासी सुबह हो गई है और अभी शादी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो आप लोग समझ लो कि शादी तो आज लेट होनी ही होनी है इनकी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। सो फैमिली इधर देखिए, जो मेरी ये देवरानी है ना, ये इन्होंने बिछिया दबाई है अपनी नंद की। तो ये मतलब इनके ममहर में ना ये पहली सिंगल भाभी है तो यही सारी रस्मों को कर रही थी। तो इसने हमारे यहाँ है कि जब नंदों की शादी हो जाती है तो नंदों का पैच हो जाता है। अच्छा मेरी भाभी भी मेरा छूती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोशनी दीदी में वो फीलिंग नहीं आती कि पैर छू। मुझे लगता है गले लग लो वो कर लो लेकिन पैर छूने, वो मुझसे शायद छुआएंगी भी नहीं। अब भैया तो बिल्कुल भी नहीं छुआते हैं और इधर, और फिर मैं छू भी नहीं पाती हूँ, लेकिन इधर इसने पैर में छूके हो गए कंप्लीट। सो फैमिली इधर कलेवा खिलाई की हो गई रस्म शुरू। इधर दो कलेवा खिलाई में जब सालियाँ द्वार वो छेकती है ना दरवाज़ा, उसमें इसने बहुत प्यारा सा एक गाना सुनाया और कलेवा खिलाई में ना इतनी रगड़ हुई है, अभी आप देखिएगा कितनी रगड़ हुई है, कितना मतलब इनकी जो वानर सेना है ना इतना ज़्यादा परेशान किया है इन्होंने, इतना बोलना पड़ा है। अभी देखिएगा कि क्या क्या होता है आगे। सो फैमिली कलेवा किलाई में जितनी रस्में होती है ना तो वो सारी रस्में होती हैं, जैसे बाती जोड़ने की रस्म होती है और वो खेलने में तो इतनी ही चलेदर हुई है कि मत पूछिए। और मैंने ये देखा कि हर चीज़ों में इनको पैसे मिल लेते, हर चीज़ों में इनको पैसे मिल लेते यार, ये भी बढ़िया। आइए देखिए अंगूठी खेलने वाली जो रस्म होती है ना, उसमें हमारी जो दुल्हनिया ना वो 3 बार जीती थी और जो लड़के पक्ष के हैं ना वो केवल 2 बार जीते थे। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि दुल्हनिया जो है ना वो दूल्हे पे भारी पड़ने वाली है। तो बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और जब इनके फ्रेंड लोग बात कर रहे थे ना, ये मतलब फ्रेंड क्या थे, सारे भाई थे, और इतना ज़्यादा किचकिच हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। सो फैमिली जब कोबर की पूजा हो गई ना तो अब आई बारी जूता पहनाने की। तो जूता जो मांगने और डिमांड थी ना सालियों की वो थी बहुत ज़्यादा। और इधर फिर उतनी में ये जो किन्नर समाज के लोग होते हैं ना वो भी आते हैं ना, तो वो भी आ गए थे और वो भी बहुत मज़ा आया उनका। एक तो दर्शन हो जाते हैं, अच्छा आशीर्वाद मिल जाता है बच्चों को, और दूसरा है कि वो इतनी मेरे यहाँ पर जो यही आते हैं हमारे रायबरेली में सब यही आते थे, और कुछ उनसे सवाल पूछे उनको आंसर नहीं पता था तो वो हंस के गए और कहते कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो मज़ा तो आया बहुत। अब शुरू हो जाएगी जूता चुराई में जो किचकिच होती है ना, ये जो भाई है ना ये मजाक मत करेगा, जब पैसे मांगो ना तो कहते अच्छा ये क्या, और हमने कहा क्या ही बात है, आपने कहा कि मजाक मत करना और आप ही मजाक कर रहे हो। अच्छा मुझे केवल सपोर्ट की मतलब कि रखा गया था क्योंकि जब सालिया थी ना ये बहुत कम बोलती है, तो मैंने कहा कि मतलब सबने कहा कि जाओ तुम भी कुछ बोलो, तो इसलिए मैं भी साथ देने लगी।
हमारी दुल्हनिया हो गई प्यार रे, हमारी दुल्हनिया हो ऐसे करके पिल यहाँ पे लगा देते हो, उसके बाद ऐसे करके बैठेंगे। एक छोटा पड़ा है, सही है सही है सही है। अरे ऐसे ही जाओगे ना, बहुत सुंदर लगोगे, ऐसे ढका रहता है, आंखें दिखती रहती है, एकदम हीरोइन लगोगी। सो फैमिली, सारा चीज़ें होने के बाद अब हो रही है विदाई, और विदाई का मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकते, बस यह गोद भरने की रस्म हो रही है, वो होने के बाद हो जाएगी विदाई। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।